हिलसा के योगीपुर रोड में आम आदमी पार्टी कार्यालय में किया गया झंडा उत्तोलन। हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में आज़ादी का जश्न दिख रहा। बस में विभिन्न राजनीतिक दल भी अपने अपने तरीके से झंडा उत्तोलन कर रहे हैं। हिलसा शहर के योगीपुर रोड में आम आदमी पार्टी कार्यालय में झंडा उत्तोलन करने का काम किया गया। इस दौरान हिलसा अनुमंडल के प्रभारी रेखा देवी एवं नालंदा जिला के प्रवक्ता अधिवक्ता दिलीप कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ हिलसा के अध्यक्ष बेबी सिन्हा ने संयुक्त रूप से झंडा उत्तोलन करने का काम किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज़ादी का जश्न मनाते हुए दिखे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के एकंगर सह के प्रखंड अध्यक्ष रामाकांत रविदास ने कहा कि 75वें गणतंत्र दिवस पर हम लोग झंडा उत्तोलन करने का काम कर रहे हैं। फुटपाथ विक्रेता कोषांग के संयोजक कपिल चंद्रवंशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के द्वारा हम लोग इज्जत और सम्मान दिया जो जाता है वह काफ़ी सराहनीय है। झंडा उत्तोलन हम लोग हुआ है जहाँ पर शरीक हुए हैं, हरनौत विधानसभा क्षेत्र के किसान सेल के उमेश प्रसाद, रामित्र प्रसाद, शशिभूषण कुमार, पायल कुमारी, पल्लवी कुमारी, शशिकांत कुमार इस मौके पर शामिल हुए और संबोधित करने का काम किए हैं। अवसर पर हम तमाम हिलसा नगर परिषद के हमारे सभी साथियों को, भाइयों को, बहनों को और जो कामगार यूनियन के जो हमारे जितने भी भाई बहन हैं, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से आपको शुभकामना देता हूं। साथियों, आज ही के दिन इस देश में संविधान को लागू किया गया और संविधान के रचयिता और लेखककार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने इस पूरे भारतवर्ष को एक संविधान में सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी गरीबों और सभी अमीरों को एक संविधान के तहत एक सूत्र में बंधकर रहने का जो है वो एजेंडा को लिखा। हमारा देश के संविधान में कई तरह के अधिकार आपको दिए गए हैं और उन अधिकारों का सुचारू रूप से कर्तव्य निष्ठ होकर के उसका पालन करना चाहिए, यह हम सबों को ध्यान में रखना होगा। और एक बात तो याद रखिएगा कि देश ने आपको सब कुछ दिया, इस राष्ट्र ने आपको सब कुछ दिया, इस संविधान ने आपको सब कुछ दिया और आपने इस राष्ट्र को और देश को क्या दिया, और अगर नहीं दिए तो उन मजलूम नागरिकों को जो समाज की धारा से वंचित है उनके लिए सभी को काम करना चाहिए, हमें भी उन्हें आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर है। क्योंकि यह आज कोई मंच का विषय नहीं है तो पुनः मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक बार संविधान रचयिता का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनको याद करते हुए एक बार उनको हम लोग पुनः याद कर लें और अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।